Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. कृष्णा, तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु का अध्याय नंबर 9। हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपादाय विष्णु प्रेष्ठाय वेंकटेश मुते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नाना शास्त्र विचारणे कृपलो धर्म संस्थाप बहु का नाम हित कारण त्रिभुवन मन्यो शरण्य करो श्री राधा कृष्ण पदार वृंद भजनानंदे भक्तादिको वंदे रूप सनातन प्रभु श्री जीव गोपाल को सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वे अहो विदो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। हरे कृष्णा, तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय नंबर 9। शेयर करता हूं स्क्रीन। तो हमने कुछ भाग इसका देखा था तात्पर्य का, आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो नौवां अध्याय है उसका नाम है फर्दर कंसिडरेशन ऑफ डिवोशनल प्रिंसिपल्स, भक्ति के जो तत्वों का और आगे चिंतन। तो इसमें यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि नारद पंचरात्र में वैसे ही एक स्टेटमेंट आता है भगवान के शरण जाने के बारे में। और यहाँ पे कहते हैं, हे प्रिय भगवान, कब वो दिन आएगा जब आप मुझे अपने शरीर पर पंखा झड़ने के लिए कहोगे और अपने आनंद अनुसार आप कहोगे कि तुम इस तरह मुझे पंखा करो। तो इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि भक्त जो है वो भगवान को पर्सनल रूप से उनको पंखा झड़ना चाहता है भगवान के शरीर को। और इसका मतलब ये भी है कि वो इच्छा करता है कि मैं भगवान का पार्षद बनूं, उनका पर्सनल उनका संग करूं, ये उसकी इच्छा है। वास्तव में कोई भी भक्त किसी भी क्षमता से, चाहे वो सेवक के रूप में हो, मित्र के रूप में हो, या प्रेमी के रूप में हो, वो हमेशा भगवान का डायरेक्ट संग कर सकता है। लेकिन अपने अलग अलग टेस्ट के अनुसार एक व्यक्ति इच्छा करता है जो जो किसी एक रस में हो। यहाँ पे भक्त जो है वो ये इच्छा कर रहा है कि वो भगवान का सेवक बने और उनके शरीर को पंखा दे। और जैसे उनकी जो अंतरंगा शक्ति है लक्ष्मी जी, वो करती है। और वो ये भी चाहता है कि भगवान उससे प्रसन्न हो के उनको
निर्देश देंगे कि पंखा किस तरह से झरना है। ये जो समर्पण है उतने आध्यात्मिक भाव से ये इसे लालसामयी विज्ञप्ति कहते हैं, जो आध्यात्मिक साक्षात्कार का उच्चतम स्थिति है। उसी नारद पंचरात्र में दूसरा और एक एक्सप्रेशन आता है। यहाँ पे भक्त जो है भगवान से कहता है, हे प्रिय भगवान, हे कमल नयन, कब वो दिन आएगा जब यमुना के तट पर मैं पागलों की तरह आपका हरि नाम जो है सतत गाते रहूं और मेरे आंखों से अश्रु झड़ते रहे। ये भी भक्ति का एक अलग स्तर। चैतन्य महाप्रभु की भी इच्छा है, कहते हैं कि एक क्षण आएगा, सॉरी जो कहते हैं एक क्षण भी मुझे 12 साल के समान लगते हैं, सारा विश्व जो है मुझे एकदम खाली खाली लगता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको दर्शन नहीं कर पाता, आपको देख नहीं पाता। और हमें इसी प्रकार भाव भावना युक्त होकर हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और हमें भगवान की इस प्रकार सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और ये सारे जो महान भक्त हैं वो हमको सिखाते हैं। आगे कहते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमें भगवान के लिए कैसे रोना चाहिए वो हमको सिखा रहे हैं। हमको ये सीखना चाहिए कि ये जो छोटी सी टेक्निक है हमें सीखनी चाहिए और वो बहुत ही आतुर होना चाहिए भगवान के लिए रोने के लिए और किसी न किसी प्रकार की उनकी सेवा करें। और इसे कहा गया है लौल्यम। और ऐसे जो अश्रु है वही इसका मूल्य है। अगर कोई इस प्रकार का लौल्यम या लालच भगवान के लिए उत्पन्न करता है तो भगवान से मिलना, उनकी सेवा करना किसी खास तरीके से, ये इसका मूल्य होगा वो भगवत धाम जाने। नहीं तो भौतिक क्षमता अनुसार भगवान के धाम जाने के लिए कोई भी और उपाय नहीं है। ये एक जो लौल्यम लालसामयी प्रार्थना है यही एक इसका एकमात्र उपाय है। फिर आगे हम लोग देखते हैं रिसाइटिंग नोटेबल प्रेयर्स, यानी अच्छे अच्छे प्रार्थनाओं को उनका स्तुति नहीं उनको दोहराना। तो महान जो स्कॉलर्स हैं उनके अनुसार जो भगवद गीता है उसमें बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, खास करके 11वें अध्याय में जहाँ पे अर्जुन जो है विश्व रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, वैसे ही गौतममयी तंत्र में जो है अलग अलग श्लोक है उनको प्रार्थना कहा गया। वैसे श्रीमद् भागवतम में कई सैकड़ों प्रार्थनाएं हैं भगवान के लिए। तो एक भक्त जो है इनमें से किसी को चुनकर इसको दोहराना चाहिए। स्कंद पुराण में ऐसे प्रार्थनाओं की स्तुति की गई है और ये कहा गया है, भक्त जिसकी जिह्वा हमेशा भगवान कृष्ण के प्रार्थनाओं से सुसज्जित रहती है और ऐसे व्यक्ति को सारे संत समाज जो है उनको आदर देता है और ऐसे भक्त जो है वो देवताओं के द्वारा पूजनीय है। जो लोग कम बुद्धि वाले हैं और अलग अलग देवी देवता के पूजन करना चाहते हैं किसी भौतिक कार्य के लिए, तो भगवान कृष्ण को छोड़कर, तो यहाँ पे ये कहा गया कि भक्त जो है वो हमेशा भगवान की प्रार्थना में लगा रहता है। भगवान
जो है वो देवी देवताओं के द्वारा भी पूजनीय है। एक शुद्ध भक्त भगवान भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो देवी देवताओं से कुछ भी नहीं मांगता। उसके विपरीत वो देवी देवता जो है ऐसे शुद्ध भक्त की प्रार्थना उनको ऐसे शुद्ध भक्त की प्रार्थना की को प्रार्थना करने में वो उत्सुक रहते हैं। नरसिंह पुराण में ये कहा गया है, कोई व्यक्ति जो भगवान के विग्रह के सामने भगवान कृष्ण के विग्रह के सामने आकर वो अलग अलग जो प्रार्थनाएं करता है तो वो तुरंत सारे पापों से मुक्त हो जाता है और वो वैकुंठ धाम जाने की योग्य बन जाता। अब अगला जो है प्रसाद लेना। यहाँ पर पद्म पुराण में एक स्टेटमेंट है, इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो नियमित रूप से प्रसाद ग्रहण करता है भगवान के विग्रह के सामने नहीं, और ऐसा प्रसाद ग्रहण करता है चरणामृत जो भगवान के को जो अर्पण किया गया जिसे निलाया गया है चरणामृत से जिसमें तुलसी हो वो अगर ग्रहण करता है तो वो तुरंत जो है उसको सारे पुण्य कर्मों का फल मिलता है जो कि 10,000 यज्ञ करने का फल के समान है। अब चरणामृत पीने के बारे में यहाँ आ गया। चरणामृत जो है वो रोज सुबह भगवान को किए गए अभिषेक से प्राप्त होता है। भगवान को इत्र फूल जल जब उनके चरणों से बहकर आते हैं तो उस और उसको दही से मिक्स किया जाता है उसे चरणामृत कहते हैं। इस प्रकार चरणामृत न सिर्फ बहुत ही रुचिकर होता है लेकिन उसमें बहुत ही आध्यात्मिक एक वैल्यू भी होता है। जैसे पद्म पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया है, जिसने कभी कोई यज्ञ नहीं किया है, जिसने कभी कोई वेद नहीं पढ़ा है, जिसने कभी भगवान की अर्चना नहीं की है, या दूसरे शब्द में कहा जाए तो कभी भी कोई ऐसा पुण्यशील कार्य नहीं किया है, वो सिर्फ चरणामृत पीकर भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाता है। भगवान के मंदिर में ये एक नियम है कि चरणामृत जो है एक बड़े मटके में रखकर रखा जाता है। भगवान के भक्त जो वहां पे आते हैं और उसमें से 3 बूंद लेकर बहुत ही श्रद्धापूर्ण और भावपूर्ण होकर वो इसका ग्रहण करते हैं। स्मेल द इंसेंस एंड फ्लावर्स ऑफर्ड टू डिवीटी, भगवान को अर्पण किए गए अत्र और जो फूल है उसको ग्रहण करना, उसको सूंघना। तो हरि भक्त शुद्धोदय में ये स्टेटमेंट आता है जो भगवान को इत्र लगाते हैं इसके बारे में। इसमें कहा गया है जब कोई भक्त भगवान को अर्पण किया गया इस गंध को जब उसको सूंघता है तब वो सारे भौतिक जो अशुद्धताएं हैं उसके पापमयी जो है उसके फल से मुक्त हो जाता है। वैसे ही जैसे अगर कोई सांप काट लेने से अगर उसको जैसे ही हम कोई जड़ी बूटी लगाते हैं वो किस तरह से उस विष से मुक्त हो जाता है, वैसे ही ये फूलों की सुगंध लेने से तुरंत वो मुक्त हो जाता है। तो इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि एक जड़ी बूटी है जो जंगल में पाई जाती है जिसे जो विद्वान लोग हैं वो जानते हैं इसको कैसे सर्प के काटने से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे जड़ी बूटी को सूंघ लेने से वो तुरंत उस पाप सॉरी उस जो सर्प के विषैले विष से मुक्त हो जाता है। वही चीज यहाँ पर यही उदाहरण यहाँ पर भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई भगवान के मंदिर जाता है भगवान को अर्पण किया गया जो गंध है उसको सूंघता है तो तुरंत सारे भौतिक कर्मशों से मुक्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जब मंदिर जाता है तो उससे हमेशा भगवान को कुछ न कुछ फल फूल गंध इत्यादि अर्पण करने चाहिए। अगर कोई
उनको पैसा नहीं दे सकता तो कुछ ना कुछ तो उसे भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये भारत में हमारे एक नियम है कि सारे जो स्त्री और पुरुष है जो मंदिर जाते हैं सुबह के समय, वो कुछ ना कुछ ऐसे भगवान के लिए लेके जाते हैं। एक चावल का एक निवाला भी जो है, या एक आटे का एक निवाला भी जो है वो भी अर्पण कर सकते हैं। ये एक रेगुलेटरी प्रिंसिपल, यानी एक नियम है कि कभी भी किसी संत का या भगवान का विग्रह का दर्शन करने के लिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और ये जो जो भी अर्पण कर रहे हैं वो बहुत ही नम्र होना चाहिए, और वो बहुत ही या तो मतलब बहुत ही छोटा हो सकता है या तो बहुत ही बड़ा हो सकता है। एक पुष्प भी, एक छोटा सा फल भी, या थोड़ा सा जल भी जो है, जो भी हमारे से शक्य हो वो हमको भगवान को अर्पण करने चाहिए। तो जब कोई भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए सुबह जाता है तो वो ऐसे जो सुगंधित गंध भगवान को अर्पण किए गए हैं उसको सूंघ कर, अगर सूंघ लेता है तो तुरंत ही वो इस भौतिक जगत के विषैले रिजल्ट से वो मुक्त हो जाता है। तो तंत्र शास्त्र में ये कहा गया है कि अगर कोई भगवान को अर्पण किए गए फूल माला का गंध जो सूंघता है तो उस व्यक्ति की नासिका तुरंत सारे पापमय गतिविधियों से मुक्त हो जाती है, और यदि उसने कोई पाप नहीं भी किया है तो भी ऐसे फूल सूंघने से वो तुरंत वो मायावादी स्तर से वो एक भक्त के स्तर तक पहुंच जाता है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिसमें हम देखते हैं, जैसे जो चतुर कुमार थे उनका भी यही हुआ। वो पहले मायावादी हुआ करते थे, निराकारवादी हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान के चरण में अर्पण किए गए फूलों को सुना वो तुरंत जो भगवान के भक्त बन गए। तो इस श्लोक से हमें ये समझना चाहिए कि मायावादी या निराकारवादी जो है वो भी कम ज्यादा क्यों ना हो, वो भी अशुद्ध है, वो शुद्ध नहीं। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में पुष्टि की गई है कि जो कोई व्यक्ति इन पाप कर्मों से मुक्त नहीं हुआ है वो शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। एक शुद्ध भक्त को कोई शंका नहीं रहती भगवान के श्रेष्ठता के बारे में, और वो हमेशा भगवान के चेतना में रहकर भगवान की भक्ति करता है। ऐसा ही एक स्टेटमेंट अगस्त्य संहिता में आता है, जहां पर अपने नासिका को इन अशुद्धताओं से मुक्त करने के लिए कहा गया है। तो हमें इस ऐसे सुगंधित फूल है उनको हमें सूंघना चाहिए। हरे कृष्ण। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, और जो अगला सेक्शन है वो कल पढ़ते हैं। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।